आज के समय में लड़कियां हर फील्ड में आगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गांव है जहां लड़कियां धीरे धीरे लड़के में तब्दील हो जाती है। जी हां, आपने सही सुना, जहां पर लड़कियां 12 साल के बाद लड़का बनने लगती है। चलिए जानते हैं इस गांव के बारे में। दरअसल डोमिनिकन रिपब्लिक में ला सरिनास गांव है, जहां पर 12 साल के बाद लड़कियां धीरे धीरे लड़कों में तब्दील हो जाती हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि ला सरिनाम गांव शापित है, तो कुछ इसे प्रकृति का सबसे अनोखा करिश्मा मानते हैं। बता दें कि ला सरिनास गांव में जब लड़की पैदा होती है तो यहां के लोग दुखी हो जाते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद वह लड़की धीरे धीरे लड़के में बदल जाती है। आज के समय में इस गांव में लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है, जो एक चिंता का विषय है। ला सरिनास गांव को लेकर एक्सपर्ट्स का अलग ही सुझाव है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में बच्चों को अनुवांशिक बीमारी है। ऐसे में जब बच्चा पैदा होता है तब वह लड़की रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह लड़का में बदलने लगती है। यानी कि उसकी आवाज भारी होना, लड़के जैसे गुप्तांग विकसित होना और शरीर पर लड़कों जैसे बाल उगने लगते हैं। फिलहाल बता दें कि आज भी यह गांव अपने इस रहस्य के लिए मशहूर है। यहां पर सबसे अधिक लड़के हैं और इस गांव की जनसंख्या भी बहुत कम है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।